वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे ले जाके दिखाऊं तो आई ऑलरेडी हिट 1 मिलियन। एंड 1 मिलियन पे यस आई एम अर्निंग सम मनी। और आप भी इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हो, इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो, बट कैसे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। मेरे साथ वीडियो में बने रहना, स्टार्टिंग से बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से हम लोग किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम को किन किन तरीकों से हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम हमें ऐसे कौन से ऑप्शंस देता है जिससे हम पैसे कमाएं। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करने के लिए इंस्टाग्राम एक ऑप्शन खुद ही देता है, विच इज बोनस। मुझे लास्ट टाइम ही ऑप्शन मिला था, लेकिन इंस्टाग्राम ने बोनस ऑप्शन हटा दिया था, लेकिन वापस से ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो गया है। ग्रेजुअली ये सबको मिल रहा है, बोनस ऑप्शन तो है ही, बट स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोग बोनस के बारे में बात कर रहे हैं, बोनस ये बोनस वो, बोनस मिल रहा है, बोनस से हम इतने कमा रहे हैं, लेकिन बोनस सबको नहीं मिल रहा है। ओके, अब ये बोनस गिफ्ट और भी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए हमारे पास एक इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोफेशनल अकाउंट हमें पहले बनाना पड़ेगा। ओके, एंड उसके लिए अगर मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही लेके चलूं, अब आपको कैसे पता करना है कि एक इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएटर अकाउंट या फिर प्रोफेशनल अकाउंट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आ जाएंगे, राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पे जाएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे, अब हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा विच इज अकाउंट टाइप एंड टूल्स का, तो आपको इस पर टैप करना है एंड स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट या फिर एड अ न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। हमें स्विच करना है या फिर हमें नया अकाउंट बनाना है। अगर आपको एक नया अकाउंट बनाना है तो आप यहां से एड अ न्यू अकाउंट कर सकते हो, एल्स आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है एंड आपको पता है कुछ तरीके कमाने के। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से नहीं बता रहा हूं कि आप बिल्कुल नए हो, आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल करो ये करो, नहीं, आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, अब आप उसे ही मोनेटाइज करना चाहते हो, तो उसे आप करोगे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अब यहां पे प्रोफेशनल अकाउंट का एक प्रोसेस है, मेरे साथ फॉलो कर लेना, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों को चीज पता होती है। हम करेंगे कंटिन्यू 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 एंड यहाँ से ओके। एंड अब आपको मतलब किस तरह का अकाउंट बनाना है, किस नीश में आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल क्रिएटर हो, टेक वेक से रिलेटेड है, आपका कोई जिम है, या फिर आप एडिटर हो, राइटर हो, ब्लॉगर हो, जो भी आपका रेस्टोरेंट है, वो आप उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। फॉर नाउ मैं चूज कर रहा हूँ डिजिटल क्रिएटर और हम इसको कर देंगे टर्न ऑन। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट हो रहा है ओके। एंड अब यहाँ पे जैसे ही ये प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा, सबसे पहले डिफरेंस आपको एक चीज दिखेगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोफेशनल अकाउंट बन गया है। क्रिएटर करना है, बिजनेस करना है, हमें क्रिएटर ही करना है, नेक्स्ट कर देंगे ओके। एंड यहाँ से हम कर देंगे ओके, अभी के लिए इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, नेक्स्ट नॉट नाउ ओके। एंड ये बन गया हमारा एक प्रोफेशनल अकाउंट, इन्हें कंप्लीट कर लेना। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है ना आपको, दैट मींस आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो एक प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। अब आप इससे पैसे कमाने के लिए रेडी हो चुके हो ओके। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके दिखेंगे इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के, उसके लिए मैं अपने मेन अकाउंट पे आपको लेके चलता हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि यस आई एम अर्निंग सम मनी, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जैसे हम अपनी प्रोफाइल पे आ गए, अब राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन पे आ गए, वहीं जाना है, फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ से क्रिएटर टूल का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे ही टैप करो। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, अब इसी के नीचे नीचे चले जाओ ओके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मोनेटाइजेशन स्टेटस का, इस पे हम जाएंगे, यू आर एबल टू मोनेटाइज, यानी कि यस मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ ओके। और इन्होंने भी मुझे एलिजिबल किया हुआ है। अगर इनमें से भी करंट पॉलिसी वायलेशन में आपकी अगर एक भी रेड है या 1, 2, 3 कुछ भी आपको दिख रहा है, दैट मीन्स आप मोनेटाइज नहीं करा सकते अपने कंटेंट को ओके। यहां पे मैं एलिजिबल हो गया हूं, अब मुझे कुछ तरीके देता है इंस्टाग्राम पैसे कमाने के, मैं अब कमा सकता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऑप्शन दिखता है जो हम देखेंगे कंट्रोल टूल्स में जाके ही, गिफ्ट। अब इंस्टाग्राम हमें गिफ्ट से पैसे कमाने का ऑप्शन देता है, मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं। अब गिफ्ट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, अगर मैं गिफ्ट पे ही टैप करूं तो आपको मैं दिखाऊं, कुछ रील्स पे ले जाके दिखा देता हूं। यहां से पहले तो अलाउ गिफ्ट ऑन रील को हमें टर्न ऑन करना है ओके। एलिजिबल हूं मैं गिफ्ट से पैसे कमाने के लिए, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिफ्ट पर मैं टैप करूंगा तो यहां पे
लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना लीगल नाम डालना पड़ेगा, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री. ओके, उसके बाद मैं डाल देता हूँ. जैसे आप डिटेल भर दोगे, यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे, अपनी लीगल ओरिजिनल डिटेल आपको भरनी है, विच इज इन योर आईडीज, जो गवर्नमेंट की आईडी आपको दी गई है उनमें वही है, वही यहाँ पे आपको भरनी है. ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पे आउट के लिए वो बोल रहा है. ओके, एंटर बिजनेस, आपका कोई बिजनेस टाइप है तो आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, एल्स आप नॉन प्रॉफिट या फिर आप यहाँ से प्राइवेट कॉर्पोरेशन या फिर नॉन प्रॉफिट इंडिविजुअल, आपको इंडिविजुअल पे टैप करना है एंड हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट. जैसे हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको वो बोलेगा कि भाई पे आउट के लिए अपनी बैंक डिटेल डाल दो. तो अब आपको जैसे ही कंप्लीट होगा, प्रोसेस आपको पूरा बता रहा हूँ, यहाँ पे लीगल है, प्राइमरी एड्रेस आपको डालना है. यू कैन नाउ अर्न फ्रॉम गिफ्ट, क्रिएट, शेयर रील्स. अब जब हम रील्स शेयर करते हैं ना, तो मैं अगर आपको रील्स पे ले जाके दिखाऊं, ओके डन कर देता हूँ, कोई रील दिखा देता हूँ ले जाके. ओके, जैसे ये रील है यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा सेंड गिफ्ट. अगर मैं यहाँ से गिफ्ट सेंड करता हूँ उन्हें, तो मैं यहाँ पे जैसे 300 है, ओके, एंड सेंड करूँगा तो 300 की ये 599 यानी कि ऑलमोस्ट 600 रुपए के हैं. मैंने 300 स्टार भेज सकता हूँ, जो स्टार है जिसकी भी रील पे हमने भेजा है वो इसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं, मतलब उन स्टार्स को वो लोग कैश आउट कर सकते हैं, उन स्टार से वो लोग पैसे कमा सकते हैं. पहला गिफ्ट वाला ऑप्शन. अब अनदर ऑप्शन इज बोनस. बोनस को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है कि हम लोग बोनस से इतने पैसे कमा सकते हैं, इतने. यस, बोनस एक टाइम पे था, अभी भी रोल आउट हो रहा है ग्रेजुअली, लेकिन काफी जगह से बोनस बंद हो चुका है. अब फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे वो कब तक आता है ये अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन यस इंस्टाग्राम पे भी कुछ बहुत कम लोगों को, ऑलमोस्ट मैं बताऊं 1-2% लोगों को मिला है, यूजर्स जो है इंडिया में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उन्हें सबको नहीं मिला है, लेकिन यस सबके लिए आ रहा है धीरे धीरे. बोनस के थ्रू भी हम इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं. अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रोसेस की, विच इज स्पॉन्सरशिप्स. यस, अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे ही लेके चलता हूँ वापस से एंड कुछ रील्स दिखाता हूँ. ओके, यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो आपने कुछ पेजेस देखे होंगे जो किसी भी तरह के पेज हैं, कोई कॉमेडी पेज है, कोई मीम पेज है, और उन पेज पे आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. जैसे मीम पेज है, और अब इस मीम पेज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे www.winbuzz करके एक अभी पॉपअप आ रहा था ना विनबज का, और कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे उस पे मिल जाएगा आपको विनबज. ओके, एंड इस विनबज की वजह से ये लोग पैसे कमाते हैं. एंड अगर ये एक भी रील भी 10,000-20,000 लोगों तक चली जाती है, दो इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाऊं तो 1.6 मिलियन है, जिस पे बहुत अच्छे से आराम से मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियन एक पोस्ट पे आ ही जाते हैं. एंड इन्होंने अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है ये रहा विनबज का ही लोगो. ओके, अगर इन्होंने अपनी प्रोफाइल में भी ये लोगो डाला हुआ है, इसकी वजह से ये लोग पैसे कमाते हैं. मतलब अगर आपका कोई पेज है, किसी भी तरह का पेज है, उस पेज पे आपको बस लोगो लगाना है उस पोस्ट पे, रील पे. एंड यहाँ पे बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिन पे आपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स देखे होंगे, फालतू के एप्लीकेशंस के भी होते हैं, वो उसे लगा के भी उन्हें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दिन के कमा लेते हैं वो एक रील से ही, क्योंकि यस उन्हें देती है वो लोग. और महीने में अगर 10 रील पे भी आपने लगा दिया तो मस्त आराम से आप 50-60-70-80 हज़ार कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. ओके, अब मेन स्पॉन्सरशिप्स की बात कर लेते हैं. मेन स्पॉन्सरशिप क्या होती है, एक पॉइंट पे आपने एक अच्छा खासा स्टेबल कर लिया है अपना काम. ओके, आपके फॉलोवर्स हैं अच्छे खासे, मतलब 50-60 हज़ार फॉलोअर आपने बना लिए, अब ब्रांड्स आपको खुद ही अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे बार्टर डील्स में या फिर आपको पैसे दे के. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये फ़ोन है रियलमी का फ़ोन है, अब ये रियलमी के फ़ोन के लिए मुझे रियलमी की कंपनी ने अप्रोच कर लिया है. ओके, अब वो बोलेंगे कि भाई आपको ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, इस फ़ोन पे वीडियो बनानी है, अपने व्यूज़ देने हैं. ये नहीं होता कि अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है. ओके, बायस नहीं होना है, आप जो भी ऑनेस्ट रिव्यू दोगे इसका, अच्छा हुआ तो अच्छा है, बुरा हुआ तो बुरा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब वो लोग इसके लिए आपको या तो ये फ़ोन ही दे देंगे कि आप फ़ोन रख लेना, बस वीडियो बना दो, आपके पास फ़ोन ऑलरेडी है और आप नहीं चाहते कि यार मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए. और उस टाइम पे जो भी मार्केट प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके 50,000 है तो आपको 10,000-15,000 लोग दे देंगे एक स्पॉन्सर के. 1,00,000 है तो उस पर भी 10,000 रुपये, वैसे आपको 5-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं. ये नहीं कि ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होता. हाँ, अगर आपके 10,000 हैं या फिर 15,000 है तो भी आपको आराम से मिल जाएंगे, बस आपको ब्रांड्स को खुद जाके कॉन्टैक्ट कर लेना है उनके इनबॉक्स में जाके, या फिर ब्रांड आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी. तो स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आ चुका है एंड हो सकता है बहुत जल्दी आ भी जाएगा. अभी भी आपको अगर हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं तो आपको कोई एड देखने को मिल जाती होगी, एड्स ऑन रील. यस,
अब हम रील्स के बीच में भी हमें एड्स आएंगी जिसका क्रिएटर को पैसा मिलेगा। हाँ, आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एड पे ही अपना जो अकाउंट है वो एड किया हुआ होगा, उस पे आपको पैसा मिलेगा। तो एड्स ऑन रील अभी ग्रेजुअली सबको मिल ही रहा है, आपको भी मिल जाएगा बहुत जल्दी, उसके थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इस चीज पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम जो टाइम स्पेंड करते हैं तो एड देखने के हमें पैसे मिल ही जाते हैं। वही सेम चीज इंस्टाग्राम क्यों नहीं कर सकता? एंड आपको पता है शॉर्ट्स और रील्स में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, टफ कॉम्पिटिशन है। तो यस, रील्स भी ऑप्शन दे देगा कि भाई शॉर्ट्स के व्यूवर्स हैं वो जाके रील्स पे आ जाए, उसकी वजह से अपने क्रिएटर को पैसा मिले, वरना वो इंस्टाग्राम पे क्यों ही कंटेंट बनाएंगे। सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स तो सबको नहीं मिलती ना, और सिर्फ स्पॉन्सरशिप से पैसा भी नहीं कमाया जा सकता। तो यस, वहां पे ऑप्शन हमें मिल सकता है। उसी के साथ साथ स्पॉन्सरशिप हमें स्टोरीज पे भी मिलती है। यस, अगर हम क्राउजर पोस्ट, स्टोरी या रील पोस्ट करते हैं तो स्पॉन्सरशिप, अगर रील का आपका प्राइस 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है या फिर 50,000 रुपए है, तो आप उसका 50 टाइम क्राउजर पोस्ट पे भी रख सकते हो, क्योंकि वो पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे हमेशा के लिए रहेगी। तो 50% आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती। स्टैटिक पोस्ट होते हैं, यानी कि कुछ तरह के फोटोज होते हैं जो आप उस पे लगा लेते हो, तो वहां से भी यस डेफिनेटली हम लोग पैसे कमा सकते हैं। बाकी इसी के साथ साथ स्टोरीज का भी आप 20% रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए रील का ले रहे हो, 50,000 रुपए आप स्टैटिक पोस्ट का ले रहे हो, उसी के साथ साथ स्टोरी के लिए भी 20,000 यस आप मांग सकते हो, तो आप उनके थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। बस इनिशियली आपको इंस्टाग्राम पे रह के मेहनत करनी है। और तरीके बता रहा हूं अभी इंस्टाग्राम पे कैसे पैसे कमा सकते हैं, और तरीके इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने के, विच इज सब्सक्रिप्शन। आपने देखा होगा यूएस में सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा चल रहा है। एक एक्सक्लूसिव कंटेंट हम लोग अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं कि ये सबके लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और सब्सक्रिप्शन आप रख सकते हो 100 रुपए मंथली या फिर 150 रुपए मंथली या फिर 500 रुपए। आपका कंटेंट, आपकी ऑडियंस किस हिसाब से, किस टियर की है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो इन तरीकों से आप इंस्टाग्राम पे पैसे कमा सकते हो। मैं वापस से आपको बताने वाला हूँ, रिकैप दे देता हूँ। हम लोग इंस्टाग्राम पे पैसे कमा सकते हैं गिफ्ट के थ्रू, बोनस के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू, स्टोरी या फिर स्टैटिक पोस्ट पे भी हम लोग स्पॉन्सर्स ले सकते हैं। उसी के साथ साथ एड्स ऑन रील का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है, एंड बहुत सारे और भी तरीके। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस है तो आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा ही सकते हो। आपको बस अपना पोस्ट, अपना एक स्टोर बनाना है इंस्टाग्राम पे ही, एंड वहीं से ही आप थोड़ी सी एड्स करके या फिर किसी बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करके आपका मर्चेंडाइज है या फिर आपके कुछ गैजेट्स हैं या फिर आपकी कोई भी चीज़ है, उसे आप निकाल सकते हो, उसे आप बेच सकते हो। तो ये जितने भी पॉसिबल तरीके वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करने के, इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने के। एंड आई होप आप इनमें से किसी ना किसी तरीके से तो पैसे कमा ही रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं कमा रहे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मिलकर डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग और किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने के लिए और कैसे एलिजिबल हो सकते हो। बाकी कंटेंट राइट टाइम पे डालो, कंसिस्टेंट होके डालो, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉलेट नहीं करो, तो यार इंस्टाग्राम भी पैसे अच्छे खासे देता है। काफ़ी लोग हैं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ओके, हम लोग लाखों तो कमा ही सकते हैं, तो इस तरह से आप पैसे कमा लेना। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो पसंद भी आई है और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, वर्थ वॉचिंग लगी है, तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख के वीडियो को कर दो लाइक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है और ज़्यादा और अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।